अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा भाई, अरे भाई, अरे भाई। So this vlog is shot at two different timings and I hope you're gonna love both of them. And full Christmas vibes here, so sit back, apna end tak dekhna and puri enjoy karna. So what's up everyone, I hope you're doing absolutely fine. My name is Anurag Kumar and I hope you're rocking that beautiful smile. Aaj ka kya plan hai? Aaj hum ja rahe hain ek aisi jagah pe jo maine net pe search kari hai. So I am not sure ki wo asliyat mein waisi dikhegi ki nahi. But agar achhi hogi to ye vlog dal chuki hogi. A bit cheaper than the tube, but the problem is कि बस बहुत stops पर रुकती है. इसी बहाने I'll be able to see around and show you around. गार्डन गया था इंस्टाग्राम पर, अगर आपने पोस्ट नहीं देखी है. एंड मैंने तब भी ब्लॉग शूट करी थी, बट कोई एडिट करने का टाइम मिला नहीं. एंड तब कॉवेंट गार्डन थोड़ा खाली था, अभी इट्स टोटली फुल ऑफ क्रिसमस लाइट्स. तो अभी थोड़ा वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं. क्रिसमस ट्री लगा हुआ वहाँ पे, लाइट्स आर ऑन एंड फ्रोजन थीम पे उन्होंने पूरा एक एरिया सेट करा हुआ है जहाँ पे आज के दिन आइस स्कल्पचर्स भी हैं. तो गाइस वी जस्ट रीच्ड एम्बैंकमेंट स्टेशन. यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक है. स्टेशन से निकलते ही आगे इतने लोग दिख रहे हैं, मतलब ऑल द फेमस लंदन ट्रैवलिंग पेजेस जो इंस्टाग्राम पे, सब ने कॉवेंट गार्डन के बारे में डाला हुआ था. द लाइन इज ह्यूज आगे जाके. जस्ट ग्रैबिंग सम हॉट कॉफ़ी. सो गॉट ऑफ ऑन बेडफोर्ड स्ट्रीट एंड यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक है. तो द व्यू वॉज ब्यूटीफुल. बस में ट्रैवल करने का नहीं फ़ायदा होता है, ऑल दो आप ट्रैफिक और हिलती ढुलती बस में होते हो, बट नेवरदलेस यू एंजॉय द व्यू. एंड अभी जो व्यू है भाई बहुत प्यारा है. सो लंदन इज़ ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइजेस. पिछली बार जो कॉवेंट गार्डन आए थे तो आई गेस इस में ऐसे मेन रोड्स पे नहीं आए थे हम, डायरेक्टली बस से कॉवेंट गार्डन के अंदर काइंड ऑफ ही उतरे थे. बट अभी वी आर गोइंग फ्रॉम द मेन रोड एंड जस्ट रीच्ड कॉवेंट मार्केट. एंड एज आई वाज सेइंग बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है. एंड जैसे कि आपने देख लिया होगा, क्रिसमस वाइब्स सेट हो चुकी हैं ऑल ओवर लंदन. अभी तो एक स्ट्रीट है ये, अभी बाकी स्ट्रीट्स में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा. सो हियर इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. सो लेट्स हिट द स्ट्रीट्स एंड आई शो यू कॉवेंट गार्डन. That's the market man, I'll show you it. So this is the convent garden market. थोड़ा मेरे को जल्दी आना था but I got late. 8 pm तक खुली है so I have plenty of time. So but मेरे को ये समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ क्योंकि सेंट्रल वेन्यू भी लिखा हुआ है एंड देर इज वहाँ शायद से मैं थोड़ा डिम होने के बाद जाऊँगा क्योंकि दैट्स अ काइंड ऑफ अ लाइटनिंग 3D शो. तो फ्री आए सपोज मेरे को, मैं टिकट मैं नेट पे देखा तो टिकट ऐसा कोई थी नहीं. तो देर इज दिस ह्यूज क्रिसमस ट्री एंड यहाँ पे एक फन फैक्ट है, जो हर एक घंटे बाद देर इज एन आर्टिफिशियल स्नोफॉल. तो मेनली भीड़ उसी के लिए, अभी इट्स 5:50 10 मिनट में वो स्नोफॉल शुरू हो जाएगी एंड इसके नीचे वी आर गोना क्लिक सम फोटोग्राफ्स एंड स्नोफॉल आई ट्राई कि कैमरा में शूट कर पाऊँ. इट बी रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. शोज चल रहे हैं वहाँ पे, समवन इज परफॉर्मिंग. ये तो कल तक पहुँचेगी. हाँ ये तो कल तक पहुंचेगी यहाँ पे. स्नो वाली जो मैं चीज बोल रहा था दैट वॉज एक्चुअली अ थिंग, बट ड्यू टू दिस मच रश उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया उस चीज़ को. मतलब जो हमने रील से इंस्टाग्राम पे देखा था पूरा आगे तक आती है, बट वही भीड़ के चक्कर में नहीं देख पाए. सो देर इज वन एप्पल मार्केट जो यहाँ पे आई गेस 6 PM तक लगती है, बट ड्यू टू क्रिसमस एंड एवरीथिंग मेरे ख्याल से उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया क्योंकि इट्स पास 6. बट इट्स लुकिंग
really really beautiful. And वो ये Christmas vibes है. ये तो सिर्फ एक जगह है, ऐसी बथेरी जगह हैं लंदन में जहाँ पे क्रिसमस के अलग अलग लाइट्स ऑन होती हैं. इसमें आपको पीछे स्ट्रीट पे दिखाई थी. एंड सिमिलरली हेयर, दिस इज़ द कॉमन गार्डन लाइट्स, ऑक्सफर्ड स्ट्रीट, रीजन स्ट्रीट, सब जगह की लाइट्स अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग चलती हैं. सो आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम. अभी तो लाइक दे आर ऑन टिल जैन, तो अभी एक पार्ट देखने आए हैं. ऑक्सफर्ड, रीजन स्ट्रीट सब एक साथ है, तो उनको हम एक साथ कवर कर लेंगे. सो आई ट्राई टू शूट सिनेमैटिक शॉट. हर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आई ट्राई टू शूट सिनेमैटिक जितना हो पाता है. सो शेयर. लाइव म्यूजिक चल रहा था, बहुत मजा आया सुन के. तो लास्ट टाइम वी केम हियर तो पीछे पूरा एलईडी शो था, आज यहाँ पे पूरा उन्होंने चेंज कर दिया है. बाकी यहाँ पे लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है. आई जस्ट शो यू, रियली ग्रेट प्लेस. नीचे सारे कैफेज वगैरह लगे हुए हैं एंड आगे मिनी मिनी बाजार लगे हुए हैं. यहाँ पे बाजार भी लाइक थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम 2-3 pounds. तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं यहाँ पे आके. देख रहे हैं आसपास, फोटोज क्लिक कराएंगे, फोटोज देखने के पीछे इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं रॉक कुमार म्यूजिक. फॉलोअर्स गिराए जा रहे हो तो यार फटाफट वापस ऊपर चढ़ाओ, 100K तक पहुँचने का एम रखते हैं. एंड प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, 4000 होने वाले हैं. आई एम एमिंग की सो आई एम एमिंग की विद इन 2 months आई कैन हिट 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. सो फटाफट करवा दो. मेहनत के बाद फाइनली फ्रोजन थीम का जो मैं आपको बता रहा था मिला है. एंड इट्स गोइंग टू क्लोज सून, 10 मिनट हैं. तो फटाफट शूट करके दिखाता हूँ. दे आर आइस कल्चर्स एंड दे आर हेयर फ्रॉम सुबह 12 बजे से अब तक दे आर हेयर. लेट्स सी. बच्चों के लिए बट क्रेज था तो आके फोटो क्लिक करानी थी. एंड वी डिडंट नो कि यहाँ पे ऐसा स्नोफॉल वाला यहाँ भी होगा. वी जस्ट रेड कि वो क्रिसमस ट्री पर ही होगा. तो कर लिया विटनेस, काफ़ी सही था. आई होप शॉर्ट्स में अच्छा है क्योंकि मैं दोनों फ़ोन और इससे ले रहा था. सो आई विल ऑल्सो अपलोड ऑन इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम हाइलाइट्स पे भी आप देख सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हो तो. अब हम जा रहे हैं एक लास्ट चीज़ देखने, मतलब मैंने इनके पेज पे देखा था. सो इट्स अ स्ट्रीट जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर ऐसे एक डोम टाइप बनाया है. उसके अंदर से जाएंगे तो ब्लू लाइट्स है, वही मतलब क्रिसमस का टाइम है. दिस वॉज अ शॉर्ट ट्रिप टू कोवेंट गार्डन. आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं पिछली ब्लॉग इस ब्लॉग को कंबाइन करूँगा कि नहीं, बट हाँ पिछली बार अलग सिनेरियो था, LED लाइट्स थी, इस बार पूरा क्रिसमसी वाइब्स था. तो आई ट्राई टू मिक्स देम बोथ फॉर यू गाइज. सो या घर तक एंड करता हूँ. एंड काफ़ी ठंड हो गई थी. एंड आई रियली रियली होप आपको मेरे आउटफिट पसंद आया होगा. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वॉज वेयरिंग एन ओवरकोट. तो अगर फोटोज, अगर इसमें ऑब्वियसली पूरा नहीं देख पाए होगा आप, तो अगर फोटोज देखेंगे तो प्लीज़ चेक इट आउट ऑन Instagram. Instagram का ID यहाँ पे आ रहा होगा, अनुराग कुमार म्यूजिक. डू फॉलो एंड प्लीज़ एज आई टोल्ड, एक इस पर्टिकुलर मंथ में लाइक दिसंबर एंड तक 5000 सब्सक्राइबर्स मीन अ लॉट टू मी. फाइनली बैक, जस्ट वांट टू एंड द व्लॉग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. आई होप यू रियली लाइक एंड एंजॉयड सम क्रिसमसी वाइब्स. एंड आई
डेफिनेटली ट्राई की मैं ये भी फटाफट अपलोड कर दूँ. आई नो काफ़ी पीछे की ब्लॉग्स पेंडिंग है, बट हे फन फैक्ट कोवेंट गार्डन की ब्लॉग भी पीछे पेंडिंग थी एंड वो मैं इसके साथ कंबाइन कर दूंगा. सो ठीक है, मतलब अच्छा हुआ कि मैंने पैर नहीं डाली थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. थम्स अप इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इफ यू लव्ड इट, एंड आई होप आई विल सी यू वेरी वेरी सून. म्यूजिक वीडियोज ऑल्सो इन द मेकिंग यार. अभी एग्जाम्स वगैरह भी आर इन द वे, तो उसके लिए पढ़ाई चालू है. एंड मेरा प्लान तो था ऑटम ही वाइब्स में, बट चलो विंटर में कर लेंगे. Yeah, take care, stay safe, and much love. Bye.